साथियों, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पर एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स चल रहे हैं। कॉमटेरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एलएलबी प्रथम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 का विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जो कि इस प्रकार है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की व्याख्या करें। भारतीय संविधान के अंतर्गत इस सिद्धांत की क्या स्थिति है? यह सिद्धांत भारतीय संविधान में किस सीमा तक समाविष्ट है? डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस प्रिंसिपल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? How for the principle been incorporated in Indian Constitution? सुप्रसिद्ध संवैधानिक विधि विद्वान प्रोफेसर एवी डाइसी ने कहा था कि शक्तियाँ व्यक्तियों को भ्रष्ट बनाती हैं। Powers corrupts the man and absolute power corrupts absolutely. इसलिए अवांछनीय है कि शक्तियों का एक राज्य के एक ही अंग में केंद्रीकरण न हो, अर्थात राज्य की शक्तियों का राज्य के विभिन्न अंगों में पृथक्करण होना चाहिए। राज्य की कार्यपालिका में विधायी शक्ति तथा न्यायिक शक्ति विहित नहीं होनी चाहिए। विधायिनी में कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति विहित नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायी शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इसी को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रथम बार प्रतिपादित किया गया। इसके अनुसार यदि तीनों शक्तियां एक अंग में केंद्रित हो जाएंगी तो वह अंग निरंकुश हो जाएगा। इस सिद्धांत का कठोरतापूर्वक पालन लोकतांत्रिक राष्ट्र द्वारा, जिसने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, संभव नहीं है, लेकिन अमेरिकी संविधान में उसका पालन काफ़ी हद तक सुनिश्चित किया गया है। अमेरिका में सरकार की शक्तियां पृथक पृथक तीन अंगों में निहित हैं। वहां कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति तथा उसका मंत्रिमंडल विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। विधायी शक्ति अमेरिका में कांग्रेस में निहित है। न्यायपालिका की शक्ति अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में निहित है। तीनों अंगों द्वारा उसकी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के पर्याप्त उपबंध अमेरिकी संविधान में। इंग्लैंड में संसदीय शासन व्यवस्था है और वहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं होता। वहाँ मंत्रिमंडल के सदस्य कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों के सदस्य होते हैं। ब्रिटिश संसद का ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है। वह ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय भी है। लॉर्ड चांसलर न्यायपालिका का प्रधान होता है और साथ ही वह कार्यपालिका या मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। भारतीय स्थिति की चर्चा करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनाई गई शासन व्यवस्था इंग्लैंड की भांति संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में कार्यपालिका, मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। यहाँ मंत्रिमंडल का सदस्य होने के लिए विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। यदि नियुक्ति के समय वह विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो नियुक्ति के 6 मास के भीतर उसे विधानमंडल किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति, जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है, उसे अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान का अधिकार है, जो न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति, जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है, वह उस समय जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है अध्यादेश जारी कर सकता है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधायिका का पृथक्करण संभव नहीं है। न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासन का कार्य करता है। यह एक कार्यपालिकी कार्य है तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में
तथा स्वयं अपने कार्यकलापों को विनियमित करने के उद्देश्य से विनियम तथा नियम बनाते हैं। यह विधायिका का कार्य है। संसद के सदस्य तथा मंत्रिमंडल अपने कर्तव्यों के निष्पादन में कुछ निर्णय लेते हैं जो अर्ध न्यायिक प्रकृति में होते हैं, अतः ऐसा करते समय वे न्यायिक प्रकृति के कार्य करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में राज्य के विभिन्न अंगों को भांति भांति के कार्य निष्पादित करने होते हैं और उनके मध्य कठोरतापूर्वक पृथककरण के सिद्धांत को लागू करना संभव नहीं है। भारतीय संविधान में यद्यपि शक्ति पृथककरण के सिद्धांत को कठोरतापूर्वक लागू नहीं किया गया है, परंतु इस बात पर ध्यान रखा गया है कि सरकार का कोई अंग निरंकुश न हो जाए। संविधान में रोकथाम की व्यवस्था की गई है और शक्ति पृथककरण के सिद्धांत का उद्देश्य यही है। इन अंगों में रोकथाम की व्यवस्था को ही कठोरतापूर्वक लागू करने का प्रयास किया जाए। भारत में कार्यपालिका को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है तथा न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह कार्यपालिका तथा विधायिका के मनमाने ढंग से किए गए कार्य को अविधिमान्य घोषित करके और उसके कार्यों पर पैनी दृष्टि रखे, और हमारी न्यायपालिका इस कार्य को बखूबी कर रही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथककरण के सिद्धांत की स्थिति, इसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है संविधान पूर्व निर्मित विधि के यदि कुछ प्रावधान संविधान के प्रावधानों से असंगत है तो इससे संपूर्ण विधि शून्य नहीं होगी, अपितु केवल वे ही उपबंध शून्य माने जाएंगे जो असंगत है, तशेष उपबंध यथावत प्रभावशाली बने रहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि ऐसे असंगत प्रावधान शेष प्रावधानों को प्रभावित किए बिना आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। स्टेट ऑफ बिहार बनाम कामेश्वर सिंह AIR 9052 सूको 251 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि किसी अधिनियम के असंगत प्रावधान अन्य प्रावधानों से इस प्रकार मिले जुले हैं कि उनकी पृथक कर देने से संपूर्ण अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाता है तो वह संपूर्ण अधिनियम असंवैधानिक घोषित किए जाने योग्य होगा। इस प्रकार से हमने विस्तृत उत्तरी 8 प्रश्नों पर चर्चा कर ली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट की। इसी प्रकार से विस्तृत उत्तरी क्रम में यूनिट 1 हमने समाप्त कर लिया है, पेपर 1 का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। अब हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड पेपर पर भी इसी वीडियो में ही चर्चा करेंगे। सेकेंड पेपर है हमारा LLB प्रथम सेमेस्टर सेकेंड पेपर, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं हरिश्चंद्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाराणसी के सिलेबस के अंतर्गत मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ। संविदा विधि 1 या कॉन्ट्रैक्ट 1, तो आइए इसके विस्तृत उत्तरी प्रश्न संख्या 6 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है सेकंड पेपर का, करार पद को परिभाषित कीजिए एवं एक करार को विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार बनाने हेतु आवश्यक शर्तों का वर्णन कीजिए। डिफाइन एग्रीमेंट मेंशन दोज कंडीशंस विच आर नेसेसरी टू इन्फोर्स इट बाय लॉ, या विधि द्वारा प्रवर्तनी करार संविदा है समझाइए। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन, या सभी संविदाएं करार होती हैं परंतु सभी करार संविदा नहीं होते व्याख्या कीजिए। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 अंग करार पद को परिभाषित करती है। धारा 2 अंग के अनुसार हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिकर हो करार है, और भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सिर्फ वही करार संविदा है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, तथा एक करार विधि द्वारा तभी लागू करवाया जा सकता है जब वह करार संविदा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत एक वैध करार हेतु प्रतिपादित सभी शर्तों को पूरा करता है। ये शर्तें या तत्व निम्न प्रकार से हैं। पहला तत्व या शर्त है करार सक्षम पक्षकारों द्वारा किया गया हो। दूसरा है करार के पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र हो। तीसरा है
करार के अंतर्गत प्रतिफल वैध हो। चौथा है करार वैध उद्देश्य के लिए किया गया हो। पांचवा है करार को संविदा अधिनियम की किसी धारा के अंतर्गत अवैध घोषित न किया गया। पहला बिंदु पर चर्चा करते हैं करार सक्षम पक्षकारों द्वारा किया गया हो। एक वैध करार की उत्पत्ति हेतु दो पक्षकार आवश्यक हैं, उसमें से एक पक्षकार प्रस्ताव करता है तथा दूसरा पक्षकार उस करार पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार एक अवयस्क व्यक्ति, एक विकृत चित्त व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसे विधि द्वारा संविदा करने के लिए अक्षम घोषित किया गया है, संविदा करने हेतु असक्षम पक्षकार नहीं माना जाता है। भारत में एक व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है अवयस्क माना जाता है, परंतु यदि किसी 18 वर्ष उम्र प्राप्त व्यक्ति की संपत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त किया गया हो तो वह 21 वर्ष की आयु में वयस्क समझा जाएगा। विकृत चित्त व्यक्ति पागल व्यक्ति को कहते हैं जो अपने हित को समझने में सक्षम नहीं होता तथा दिवालिया व्यक्ति विधि द्वारा करार करने के लिए सक्षम नहीं है। दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं करार के पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र हो। जब दो व्यक्ति एक ही विषय वस्तु के बारे में एकमत होते हैं तो यह कहा जाता है कि वे उस विषय वस्तु पर सहमत हुए। एक करार को संविदा बनाने के लिए आवश्यक है कि उसके मध्य सहमति स्वतंत्र हो। संविदा अधिनियम की धारा 14 स्वतंत्र सहमति के बारे में बताती है। इस धारा के अनुसार स्वतंत्र सहमति तब कहेंगे जबकि यह 5 प्रकार के बिंदु हमें मिले। उत्पीड़न के द्वारा न प्राप्त की गई हो। दूसरा, जब यह असम्यक असर के अंतर्गत प्राप्त न की गई हो। तीसरा, जब यह कपट द्वारा प्राप्त न की गई हो। चौथा है, जब यह दुरुपदेशन द्वारा प्रदान न की गई हो, मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, दुव्यर प्रदेशन। और पांचवा है, जब यह भूल के अंतर्गत प्राप्त न की गई हो। अब करार के तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं करार के अंतर्गत प्रतिफल वैध हो। कोई भी करार जो प्रतिफल रहित हैं धारा 25 के अनुसार शून्य होता है, परंतु धारा 10 के अनुसार एक करार को संविदा के रूप में लागू करवाने के लिए प्रतिफल का वैध होना आवश्यक है। एक करार का प्रतिफल तभी वैध होगा जब वह विधि द्वारा वर्जित न हो, प्रतिफल किसी विधि के उपबंधों को निष्फल करने का उद्देश्य न रखता हो, प्रतिफल कपटपूर्ण न हो, प्रतिफल किसी व्यक्ति की शरीर या संपत्ति को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से न किया गया हो, प्रतिफल का उद्देश्य अनैतिक न हो, व्यभिचार पूर्ण और प्रतिफल का उद्देश्य लोक नीति के प्रतिकूल न हो, जैसे कि नौकरी पाने हेतु धन देकर झूठी गवाही प्राप्त करना, घूस देना, दांडिक अभियोजन में बाधा उत्पन्न करना और लोक नीति से प्रतिकृत प्रतिफल है। चौथा बिंदु है करार पर कि करार को वैध उद्देश्य के लिए किया गया हो। करार के लिए यदि प्रतिफल देने का उद्देश्य वैध नहीं है तो यह कहा जाएगा कि करार अवैध उद्देश्य के लिए किया गया है, जैसे कि बाजी लगाना, किसी संविदा को निष्फल करना, कपट करना, किसी को मारने पीटने या किसी की संपत्ति को क्षति पहुंचाने का उद्देश्य, व्यभिचारपूर्ण कार्य जार कर्म करने का उद्देश्य और घूस देना इत्यादि। तो दांडिक अभियोजन में बाधा उत्पन्न करना है तो यह कहा जाएगा कि प्रतिफल का उद्देश्य वैध न होकर अवैध है। पाँचवें बिंदु पर चर्चा करते हैं करार किसी धारा के अंतर्गत शून्य घोषित हो। संविदा अधिनियम की कुछ धाराओं में कतिपय करारों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित किया गया है, तो ऐसी करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, अतः उन्हें संविदा नहीं कहा जा सकता। जैसे कि विवाह के अवरोधार्थ करार धारा 26, व्यापार के अवरोधक करार धारा 27, विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक करार धारा 28 और अनिश्चितता के कारण शून्य करार धारा 29, बाजी करार या पंचम पद्यम तौर के कारण। और इस प्रकार यदि एक करार में धारा 10 के अंतर्गत उल्लिखित सभी 5 आवश्यक शर्तें मौजूद हैं तभी एक करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा अथवा नहीं। धारा 10 के अनुसार करार को संविदा होने के लिए यह आवश्यक है कि भारत में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रश्नगत करार को निरस्त न किया गया हो। यह भी आवश्यक है कि करार लिखित हो तथा 2 स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में हो। प्रत्येक संविदा एक करार है, परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं होता है। किसी भी करार के लिए एक प्रस्ताव तथा स्वीकृति का मिलन आवश्यक है। जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से कुछ करने की अपनी इच्छा प्रकट करे तथा दूसरा पक्षकार इच्छा अनुसार उस कार्य को करने के लिए अपनी स्वीकृति दे तो करार का जन्म हो जाता है। परंतु जैसा कि संविदा अधिनियम की धारा 2 जब प्रावधान करती है
कि प्रत्येक करार संविदा नहीं है, सिर्फ वही करार संविदा मानी जाएगी जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, अर्थात जिन्हें विधि द्वारा लागू करवाया जा सके। सिर्फ वह करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है जो धारा 30-10 में प्रतिपादित सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हों, अन्य करार संविदा नहीं होंगे। इस प्रकार कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तथा जिसमें एक पक्षकार की इच्छा पर दूसरे पक्षकार ने स्वीकृति दे दी है, वह करार तो होगा, परंतु उस करार को संविदा का रूप तभी प्राप्त होगा जब वह करार धारा 10 में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करता हो। परंतु यहाँ यह स्मरणीय है कि एक संविदा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वह मूल रूप में एक करार तो है ही, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल टू करार। करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो वो संविदा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संविदा में करार तो मौजूद रहता है, परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं होता। सिर्फ वह करार संविदा होगा जो धारा 10 के आवश्यक तत्वों को पूरा कर संविदा कहलाने लायक हो तथा जिन्हें विधि द्वारा लागू कराया जा सके। आज का लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 का LLB फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पेपर का ये 6th विस्तृत उत्तरी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार से कि हम सुन रहे हैं सिर्फ 2 या 3 ही यूनिट आएगी और संभवतः 1 या 2 ही प्रश्न विस्तृत उत्तरी पूछे जाएंगे और 5 ही प्रश्न लघु उत्तरी पूछे जाएंगे, तो जमकर पढ़ाई करें। MGKBP के एग्ज़ाम्स निकट हैं, लगे रहें, पढ़ाई करते रहें। कॉमटेरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और नियमित देखते रहें। कॉमटेरिया चैनल को नियमित देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।